Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top five stories of the day. Let's get started with today's headlines. बेंगलुरु हिंसा में तीन लोगों की मौत, आपत्तिजनक पोस्ट लिखने पर कांग्रेस विधायक का भतीजा गिरफ्तार, 60 पुलिसकर्मी जख्मी। बिहार में फिर बह गई नई सड़क, आनन फानन में हुई मरम्मत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना था सड़क उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद, एक आतंकी भी हुआ ढेर। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जारी किया 9 पेज का बयान, बदमाशों के झुंड में घिरा हुआ था सुशांत, पैसे के दम पर आया हनी ट्रैप गैंग। और कर्मचारियों की इस साल नहीं बढ़ेगी सैलरी, सिर्फ आईटी और ई कॉमर्स जैसे चुनिंदा सेक्टर्स में कर्मचारियों का होगा इंक्रीमेंट, कई सेक्टर्स में हो सकती है छटनी। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और वो खबर कल रात से सुर्खियों में बनी हुई है, बेंगलोर का जो हादसा जिसमें कि पुलकेशी नगर के जो MLA हैं अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके भतीजे ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी, जिसके बाद काफ़ी शोर शराबा मचा और उस MLA यानी कि मिस्टर मूर्ति के घर को बहुत करीब 1000 से ज़्यादा लोगों ने घेर दिया। उसके बाद जब वो लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने के लिए गए, तो जब पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी तो जो पूरा मॉब था उसने पुलिस स्टेशन को जला दिया, उनके घर को घेर लिया गया, बहुत सारी जो पुलिस व्हीकल्स वहां पर खड़ी हुई थी उनमें भी आग लगा दी। तो अगर आप विजुअल्स की बात करें तो इस तरीके के विजुअल्स हमने अभी दिल्ली में जब दंगे हुए थे फरवरी में, तो उसके दौरान ऐसे हमने विजुअल्स देखे थे, और आज इस तरीके का विजुअल सामने आया है। बेसिकली अ फेसबुक पोस्ट which was supposed to be anti-Islam that has led to a mob violence in Bangalore. Bangalore 12 million जिसकी जनसंख्या है और सिलिकॉन वैली माना जाता है, बहुत ही एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, वहाँ पर अगर इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे सामने आते हैं तो लोग अपने आप में मजबूर हो जाते हैं सोचने में कि इस किस तरीके की सोच एक ऐसे टेक्निकली प्रोग्रेसिव शहर में भी हो सकती है। लेकिन आज सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं और उस फेसबुक पोस्ट पर आप जो लिखते हैं उसका रेपरकशन क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अलग अलग कम्युनिटीज़ पर, ये उसका सीधा साधा उदाहरण है। अब जैसे कि मिस्टर मूर्ति का जो भतीजा है नवीन, जैसे कि गिरफ्तार कर लिया गया है, 60 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो चुके हैं, अभी बताया जा रहा है कि 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है आगजनी और इस वैंडलिज्म के इस पूरे मामले में। तो आज सवाल ये उठता है कि जब फेसबुक पोस्ट लिखी गई है उसका इम्प्लीकेशन एक कम्युनिटी के ऊपर क्या पड़ता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो ये फेसबुक पोस्ट लिखी गई थी दिस वाज एन एंटी इस्लाम पोस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बुरा भला कहा गया, इसलिए बहुत सारे लोग खासकर मुसलमान कम्युनिटी के वो इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की, लेकिन जिसके बाद पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों ने कंप्लेंट नहीं लिखी, जिसके बाद ये आगजनी और वैंडलिज्म का जो ये पूरा मामला है ये सामने आया है। अब मिस्टर मूर्ति का जो भतीजा है नवीन, उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसकी फेसबुक वॉल को हैक किया गया, उसके फेसबुक अकाउंट को हैक किया गया है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन फिलहाल नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ऐसा एक सांप्रदायिक दंगा, बिल्कुल आप इसे दंगे की शक्ल देंगे, बिकॉज जिस तरीके के जो आगजनी और वैंडलिज्म का मामला आया है तो जाहिर सी बात है कि अगर 1000 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत है कि इसे कैसे किया गया। वो मामला दूसरा है कि नवीन का अकाउंट हैक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पॉइंट ये है कि जिस तरह से वेल प्लान तरीके से वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद जिस तरह से गुंडागर्दी और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया, वो अपने आप में इस बात को क्लियरली पोर्ट्रे करता है कि इट हैड टू बी अ वेल प्लान्ड एंड वेल स्ट्रेटेजाइज्ड कॉन्स्पिरेसी जिसके तहत इस पूरी मामले को अंजाम दिया गया। अब ये सवाल उठता है कि ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया, ऐसा क्या हो गया। अब जाहिर सी बात है कि एक फेसबुक पोस्ट लिखा गया और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें सामने आई, जिसके बाद जो मुसलमान कम्युनिटी थी वो उसने अपनी आपत्ति जताई और उन्होंने कंप्लेंट जब दर्ज करने की कोशिश किया उस कंप्लेंट को दर्ज नहीं किया गया, उसके बाद ये पूरा मामला फ्लेयर अप किया है। अब लेकिन अगर आप इस मामले की तह तक जाएँ
तो इसमें ये है कि जिस तरीके का एक जो डिस्ट्रस्ट और एक जो डर इस समय मुस्लिम कम्युनिटी में देखा जा रहा है, खासकर राम मंदिर निर्माण के बाद, स्पेशली आर्टिकल 370 के बाद, उसके बाद CA और NRC को लेकर भी आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट और एक बहुत ज़्यादा फियर जो मुस्लिम कम्युनिटी में देखा जा रहा था, तो आज का जो ये हादसा है ये कहीं ना कहीं इससे कंसोलिडेशन अगर हम माने कम्युनिटी की तो वो भी इसको दर्शाता है कि इतने दिनों से जो एक डर और जो एक डिस्ट्रस्ट उनके मन में ठहर रहा था तो उसको उन्होंने एक अंजाम दिया और एक आउटलेट दिया, उसको वेंटिलेट किया है इस तरीके से। अब वो भी एक ऐसे शहर में जहाँ पे बैंगलोर में, जहाँ पर इस समय BJP की का राज्य है, येदुरप्पा की सरकार है, और वहाँ पर एक पढ़े लिखे, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, टेक्निकली प्रोग्रेसिव स्टेट में अगर इस तरीके की वारदात सामने आती है, सिलिकॉन वैली मैंने आपको बताया माना जाता है, तो वहाँ पर एक फेसबुक की पोस्ट एक दंगा कैसे क्रिएट कर सकती है, ये उसका सीधा साधा एग्जांपल है। लेकिन उसको दूसरे तरीके से अगर देखना होगा, बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्विटर पे लिखा है कि ऐसी वारदात कैसे सामने आई। अब ये आपको बता दें कि मिस्टर मूर्ति इज़ अ कांग्रेस MLA फ्रॉम पुलकेशी नगर, और जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी राम मंदिर का जब निर्माण, जिस दिन भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त को, तो उस दिन आपने देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, दे डिड नॉट से अ वर्ड against the entire episode, but in fact they all went ahead and supported the Ram Mandir construction. तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई resentment ज़रूर मुस्लिम कम्युनिटी के मन में था, और आज जो consolidation देखा गया, जिस तरह से पूरी कम्युनिटी एक साथ इकट्ठे हो गई, और आपको एक ट्वीट मैं बताऊँगी, और ये एक ट्वीट है मुदस्सिर अहमद का, और उसमें उन्होंने देखा गया है कि बहुत सारे मुसलमानों को उन्होंने कॉल करने की कोशिश किया, उसका आह्वान किया कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो अब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर इस वारदात का हम सामना करें। तो बेसिकली फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बिल्कुल जिस तरह से हमने दिल्ली दंगों में देखा था, उसी तरीके का कंसोलिडेशन इस समय मुस्लिम कम्युनिटी का नज़र आ रहा है। अब आप इसे किसे ब्लेम करेंगे? क्या आप येदुरप्पा को इसके लिए ब्लेम करेंगे, मुसलमान कम्युनिटी को ब्लेम करेंगे? लेकिन टोटली एक जो सांप्रदायिक कलर इस एपिसोड से, एक फेसबुक पोस्ट कैन लीड टू सच अ कम्युनल वायलेंस, इट्स अ क्लियर एंड अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड। एंड यू कैन इमेजिन कि ये जो पूरा हादसा है समय, इसे कैसे टैकल करेगी येदुरप्पा सरकार, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका क्या स्टैंडिंग होगी, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ खासकर जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो इसमें क्या कहेंगी। बट क्लियरली आज एक ज़रूरत है कि किस तरह से एक फेसबुक पोस्ट जो लिखी गई है वो हाथ से चीज़ें बाहर ना निकल जाएं। बहुत सारी गाइडलाइंस फेसबुक ने भी की है, व्हाट्सएप ने, ट्विटर ने, सब ने फिल्टरिंग प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन इसके बावजूद अगर इतनी सीरियस वारदात को अंजाम दिया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि जो फिल्टर्स हैं वो कितने कामगर साबित इस समय हो रहे हैं। तो फेसबुक पर आप जो लिख रहे हैं, एक ये लेसन है कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं और बहुत ही अगर सेंसिटिव हो, सो इट कैन लीड टू रियली अ सिचुएशन विच कैन बी आउट ऑफ हैंड। तो इस पर, इस पूरी घटना पर आपका क्या सोचना है, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर आज बिहार की है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज एक पुल का उद्घाटन करना था 12:30 बजे, लेकिन उसी पुल की जो अप्रोच रोड थी वो पूरी कोलैप्स कर गई कल रात को, और जल्दी से जल्दी जितने भी पुल परियोजना के जितने भी ऑफिशल्स हैं उन्होंने हानन फानन में बिल्कुल उसकी मरम्मत की उस पुल की। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जिस ब्रिज का उद्घाटन करने की नीतीश कुमार को इतनी जल्दी क्या थी? आपको ध्यान होगा कि पिछले महीने ही गोपालगंज के बैकुंठपुर में एक जो 70 घाट ब्रिज है उसका किस तरह से हम लोगों ने दिखाया था कि वो ब्रिज पूरा कोलैप्स कर गया, और बाढ़ के पानी में आज ये जो पुल जिसको इनॉग्रेट किया है नीतीश कुमार ने 12:30 बजे, उसकी भी जो अप्रोच रोड है वो पूरी बाढ़ के पानी में बह गई थी, जिसको लेकर आज तेजस्वी यादव ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि उद्घाटन के पहले पथ का टूटना इनके काले भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। तेजस्वी यादव ने पिछले महीने भी ये सारी बातें कही कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें जुड़ा हुआ है, जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उस पर सवाल खड़े किए गए थे। और आज देखिए ये दूसरा हादसा बिल्कुल ठीक ऑलमोस्ट एक महीने के बाद फिर से इस तरीके का सामने आया है। अब आज सवाल ये उठता है कि जो पिछला हादसा हुआ था उसकी इंक्वायरी क्या हुई, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि चुनाव की वजह से जल्दी इन चीज़ों का उद्घाटन करना चाह रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी थी, उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, और जो पहले के भी जो हादसे हैं उनकी रिपोर्ट की भी अभी कोई बात अभी सामने नज़र नहीं आई है। फिलहाल ऐसा लगता है कि चुनावी जल्दबाजी में नीतीश कुमार क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, भले ही लोगों की जाने जाएं, भले ही
कोविड के चलते भी कितनी लोगों की वहाँ पर जान जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल असंवेदनशील हैं इन सारी बातों को लेकर। अब आपको ये बता दें कि ये जो ब्रिज था, बंगरा घाट ब्रिज, ये ब्रिज गोपालगंज, सिवान, सारण और मुजफ्फरपुर को कनेक्ट करता और उसका डिस्टेंस कम करता। अब आज उसकी अप्रोच रोड कोलैप्स तो कर गई है, उसे जल्दी में बना दिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन करना था, लेकिन अब ये ब्रिज मरम्मत करने के बाद भी अभी कितने दिन चलता है इसको देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट लोगों के मन में है नीतीश कुमार को लेकर, उनके गवर्नेंस को लेकर, उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, जिनके बारे में ये कहा गया था वो किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो आज जब से उन्होंने NDA के साथ हाथ मिलाया है और नीतीश कुमार बार बार जब BJP के साथ हाथ मिला चुके हैं तो बार बार उन पर ये लांछन लग रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किया है और अब अपने गवर्नेंस पे भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जिस तरह से वो इस समय शासन कर रहे हैं उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने क्वालिटी के बारे में नहीं सोचा, जिस तरह से वो कोई भी चीज़ जो उनके शासन से रिलेटेड है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है, जिसके बारे में एक नहीं बल्कि कई पॉलिटिकल पार्टीज लिख चुकी हैं। लालू यादव का जो 15 साल, लालू यादव वर्सेस 15 साल ऑफ नीतीश कुमार, जो ये बार बार जो एक स्लोगन सामने आ रहा है इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में चुनाव है और ये सारे मुद्दे इस समय उठेंगे क्योंकि बाढ़ एक एनुअल फीचर है बिहार का, और फ्लड पॉलिसी को लेकर भी बार बार सवाल खड़े किए गए हैं कि फ्लड पॉलिसी को लेकर क्या उसमें कोई रिविजिटिंग की गई है, उसे दोबारा उसका पुनर्विचार उस पर किया गया है। इन सारी बातों को बार बार विपक्ष उठा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कान में अपने तेल डालकर बैठ चुके हैं और उन्हें अभी सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है और वो है कि चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो, उसके पहले वो जल्द से जल्द जितने भी उद्घाटन कर सकते हैं ताकि उनके नाम का ठप्पा लग जाए, वो उसी जल्दबाजी में नज़र आ रहे हैं। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर आज एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि एक जवान शहीद हो गया और एक आतंकी भी ढेर हुआ है। अब आपको ये बता दें कि ये पुलवामा का ये एक एरिया था और जो आतंकी ढेर हुआ है उसका नाम है आज़ाद ललहारी, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। उसके पास से बहुत सारे ग्रेनेड्स और पाउचेस, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो आतंकी तो ढेर हो गया है, लेकिन एक जो पुलवामा और ये जो LOC के आसपास के जो इलाके हैं वो वहाँ आज भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सुरक्षा बलों ने किया था, और ये सर्च ऑपरेशन कमराजीपुरा का जो एक फलों का बाग है वहाँ पे किया गया था, जहाँ पर इस आतंकी को ढेर किया गया। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जो केंद्र सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि जो धारा 370 हटाने के बाद मिलिटेंसी कम हुई और हिंसा की वारदातें कम हुई, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक साल बाद भी देखें तो जो हिंसा की वारदातें हैं और LOC पर जो सीज़फायर वायलेशंस हैं वो लगातार बने हुए हैं। आज मैंने इंटरव्यू किया है कश्मीर टाइम्स की जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है अनुराधा भसीन, और उन्होंने इस इंटरव्यू में भी पूरी सरकार के जो दावे हैं उसकी पोल खोली है, और उनका ये साफ कहना है कि ये जो सरकार बार बार कह रही है कि हिंसा में कमी आई है, आतंकी घटनाओं में कमी आई है, विकास की यात्रा हम पूरी कर के दौर पर हम आगे बढ़ चुके हैं, तो ये जो सारे क्लेम्स हैं ये इस समय गलत हैं, क्योंकि एक जो फियर और डिस्ट्रस्ट का माहौल है, लोगों के मन में डर है, मीडिया को वहाँ पर लिखने नहीं दिया जाता, जो एग्जैक्ट पिक्चर है कश्मीर की वो सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि कोई भी जो रिपोर्टर है वो वहाँ पर अगर इस समय रिपोर्ट करने जाता है तो उसके उसके उसका जो मुंह है वो एकदम से बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो डर की वजह से लोग वहाँ पर एग्जैक्टली इस समय क्या हो रहा है वो उसके बारे में खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, और जहाँ तक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है कश्मीर का उसको लेकर भी जितनी विपक्षी पार्टीज़ हैं उनमें एक तरीके का उन्होंने भी मौन धारण कर लिया है, और अगर बोलते भी हैं तो बहुत ही कुछ चुनिंदा इशूज़ पर वो बोलते हैं, जैसा कि उमर अब्दुल्ला का एग्ज़ाम्पल था। तो कुल मिलाकर अगर ये कहें तो एक साल बाद के जो आर्टिकल 370 हटाया गया है, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस हटाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ना तो हिंसा में कोई कमी आई है, आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो भी अभी चल रही हैं, सीज़फायर वायलेशंस मैंने आपको बताया कि उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि 2019 से 2020 का अगर आप फिगर देखें तो उसमें कहीं ज़्यादा बढ़त हुई है। तो ऐसे में क्या कश्मीर वाकई में नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि 4G
नेटवर्क को अब हम रिस्टोर करेंगे, और क्या वाकई में नॉर्मलसी आएगी जब लोगों के मन में इतना खौफ है, इतना डर है। लेकिन फिलहाल जो LOC के आसपास के जो इलाके हैं, खासकर ये जो घटना आज पुलवामा की है, वो एक बार फिर इस बात को दर्शाती है कि कश्मीर की हालत अभी पूरी तरह से नॉर्मलसी की तरफ नहीं बढ़ी है। अभी भी लोगों के मन में डर है और सरकार इसे कैसे निपटेगी। वहाँ पर अब मनोज सिन्हा उपराज्यपाल के तौर पर गए हैं, अब देखिए वो किस तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को और पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड एक्टर हैं उनकी मौत से जुड़ी हुई है। आज सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं KK सिंह, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं कि सुशांत राजपूत पाँचवा बच्चा था उनके परिवार का, और जिस तरह से वो पिछले 7-8 सालों में उसने बॉलीवुड में एंट्री लेने की कोशिश की, दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू, ऐसा उन्होंने लेटर में लिखा है। लेकिन अब जो हुआ है, उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी परिवार के साथ ना हो, और उन्होंने साथ में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरह से हनी ट्रैप किया गया पैसों की वजह से, वो अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। और उन्होंने कहा कि अब ऐसा हो गया है कि जिस तरीके का गैंग से सुशांत घिरा हुआ था, अब ऐसा लग रहा है कि जो उसकी स्मृतियाँ हैं, जो मरने के बाद भी उसकी इमेज को बार बार मेलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उसके करियर को मेलाइन करने की कोशिश की जा रही है। रिया चक्रवर्ती का उसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा गया कि पैसों का जो लेन देन था और जिस तरीके का जो एक अजीब सा एक गैंग जिसने घेर रखा था सुशांत को, और उसने उसको मेंटली इल भी घोषित करने की कोशिश की, तो ये सारी बातें सुशांत राजपूत के पिता ने उस चिट्ठी में लिखी है और कहा है कि बुरी तरह से उसे मर्डर किया गया है, उसकी आत्महत्या हो ही नहीं सकती, ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है। और बात साथ में उस चिट्ठी में ये भी उल्लेख किया गया है कि जिस तरह से महंगे लॉयर्स को हायर किया गया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि न्याय सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिल पाएगा। उधर दूसरी तरफ जो आज इसी केस से जुड़ी हुई खबरें हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत का जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है, आज वो निकाला गया है, और उसमें ये बातें सामने आई हैं कि सुशांत अपने पिता के संपर्क में बहुत कम था। और अगर उस कॉल डेटा रिकॉर्ड को हम देखें तो मई के महीने में 2 बार सुशांत राजपूत ने अपने पिता से संपर्क किया, उसके बाद उन्होंने अपनी जो सिस्टर्स हैं यानी कि बहनें हैं मीटू, रानी और प्रियंका, उनसे बातचीत की, लेकिन बहुत ज़्यादा वो संपर्क में नहीं आए थे। अब आपको ये भी बता दें कि कल संजय राव जो शिवसेना के लीडर, उन्होंने सामना में लिखा कि सुशांत राजपूत अपने परिवार के संपर्क में नहीं था और पारिवारिक संबंध उसके बहुत बिगड़े हुए थे। तो इस तरीके की बात के बाद आज सुशांत सिंह राजपूत ने एक ओपन लेटर लिखा है और उन लोगों को भी एक तरीके से चेतावनी दी है जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने परिवार से संबंध ठीक नहीं थे। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच CBI कर रही है। एक अजीब सी पॉलिटिकल वॉर हो गई है। आज गुप्तेश्वर पांडे जो DGP हैं बिहार के, उन्होंने भी इस बात को माना है कि ये पूरा केस अब पॉलिटिकल हो चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा माना जाता है, एक पॉपुलर सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा जो ये केस है अब ये राजनीतिक रंग ले चुका है। बिहार वर्सेस महाराष्ट्र, इट्स अबाउट NDA वर्सेस द महाराष्ट्र अगाड़ी गवर्नमेंट, तो बहुत सारे एंगल्स अब इस केस में आ गए हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि पूरी जांच के बाद क्या हम वाकई में पता कर पाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है वो हत्या थी या आत्महत्या थी। और इसके अलावा भी जितने एंगल्स जुड़े हुए हैं बॉलीवुड के, नेपोटिज्म के, फेवरेटिज्म के, उन सारी चीज़ों पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। अब सच्चाई कब तक सामने आएगी, CBI जांच को लेकर भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक नहीं है, क्योंकि CBI जांच के लिए आपको वहाँ की राज्य सरकार से परमिशन चाहिए। उद्धव ठाकरे की सरकार है महाराष्ट्र में, बार बार इस बात को रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो कह रही हैं कि इस पूरे केस का ट्रांसफ़र मुंबई पुलिस को होना चाहिए, क्योंकि जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है वो मुंबई है। तो इन सारी बातों पर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और नए नए रोज़ इस समय खुलासे हो रहे हैं। मीडिया ट्रायल भी इस समय रिया चक्रवर्ती का चल रहा है और दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल सुशांत के परिवार का भी चल रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। लेकिन फिलहाल अभी सुशांत राजपूत का जो केस है वो बिल्कुल एक मीडिया सर्कस बन चुका है। मीडिया भी इसमें खूब बढ़ चढ़ कर लिख रहा है और बहुत आलोचना भी हो रही है कि जिस तरह से मीडिया का जो रोल है इसमें पूरी तरीके से, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की इसमें आलोचना हो रही है कि वो किस तरह से एक पेशेंट का डॉक्टर कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ रहे हैं। तो बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन अब फिलहाल ये देखना है कि क्या वाकई में सुशांत सिंह को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता। इस पर आपका क्या सोचना है फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे की खबर की ओर चलती हूँ। हमारी आखिरी खबर, आज टीम लीज का एक सर्वे आया है जॉब्स यानी कि रोजगार और सैलरीज के ऊपर, उसको हम कह रहे हैं प्राइमर रिपोर्ट 2020 टीम लीज
रिपोर्ट ऑन जॉब्स एंड सैलरीज। एक बहुत ही भयावह स्थिति है जिसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इतनी सारी जॉब्स जो गई हैं, इतनी सारी लोगों की जो नौकरियां गई हैं, और ख़ासकर कोविड के चलते वो अपने आप में एक भयावह स्थिति पैदा करता है। लेकिन अगर आप टीम लीज के सर्वे की बात करें तो उसने खासकर लिखा है इस बात को कि इस समय बहुत ही कम सेक्टर्स हैं जो कि लोगों का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। एनुअल इंक्रीमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो एनुअल इंक्रीमेंट देने में इस समय जो सेक्टर्स हैं वो ई कॉमर्स है, स्टार्टअप सेक्टर है, FMCG, BPO, IT और हेल्थ सेक्टर है, जहां पर थोड़े बहुत इंक्रीमेंट की गुंजाइश है। लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं और जिन सेक्टर्स का मैं आपको नाम ले रही हूं, वहां पर बहुत सारी छटनी होनी है, यानी कि रिट्रेंचमेंट होना है, यानी कि लोगों को वहां से निकाला जाएगा। और ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं? देयर आर ह्यूज लेऑफ्स इन दी एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ी है, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। उधर ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ चुका है। टूर ऑपरेटर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिट्रेंचमेंट है। इस बात को बहुत क्लियरली टीम लीज ने कहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो CMI की रिपोर्ट थी, अगर मैं आपको ये तो अगस्त की बात मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर अप्रैल की बात करें, जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस समय की जो रिपोर्ट थी, उसके CMI ने जो डेटा दिया था, उस समय 122 मिलियन लोग नौकरी गंवा चुके थे। और आपको ये बता दें कि जो सबसे हैरानी वाली बात है कि बार बार कोई ना कोई डेटा सामने आ रहा है जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि कितने मिलियन लोगों की नौकरियां चली गई हैं और आगे नौकरियां और जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी स्टार्टअप यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस जॉब लॉस के सिनारियों में हमारे देश की जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है वो क्या है, कहाँ है? वो ऐसा लगता है कि गायब है और बिल्कुल एक पॉलिसी वैक्यूम नज़र आ रहा है। और जो दिशा निर्देश हैं उसका भी एक पूरा क्लियर एक वैक्यूम नज़र आता है। अब आपको ये बता दें कि एक डेटा जो मैंने निकाला है कि जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएं तो उसका मैंडेट क्या है, उनकी मैंडेट में ये लिखा है टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। अब आज सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोगों की अगर नौकरियाँ चली गई हैं तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? इट्स क्लियरली मिसिंग इन एक्शन। नितिन गडकरी जो MSMEs के मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। अब क्या सवाल है? इस समय सरकार से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब अनलॉक की स्थिति आ गई है। अनलॉक फेज़ June 1 से शुरू हुआ था और उसके बाद जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितने लोगों की लॉकडाउन के दौरान जॉब्स गई, कितने लोगों को वापस जॉब्स मिली हैं अनलॉक फेज़ में, उसके बाद कितने माइग्रेंट्स अपने घर गए थे और कितने माइग्रेंट्स वापस आए हैं। इन सारे सवालों के जवाब जब आप मंत्रियों से पूछें तो उनके पास ये कहना है कि अभी इस पर कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। लेकिन अगर आप लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके 20 प्रेस स्टेटमेंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे और वो 20 प्रेस स्टेटमेंट्स में 12 प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हैं। इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि जॉब्स लोगों की क्यों गई हैं, रोज़गार क्यों जा रहा है, इसको लेकर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के पास कोई जवाब नहीं है। अब ऐसा क्यों है ये आपकी और मेरी समझ से बिल्कुल परे है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सारा जो डायरेक्शन है, सारे पॉलिसी मेकिंग है, वो एक ही जगह से हो रही है और वो है प्रधानमंत्री का ऑफिस। किसी भी मंत्री से आप पूछ लीजिए, उसको कोविड के बारे में, उसको नौकरी के बारे में कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी और बार बार मंत्री आपको गोलमोल जवाब देंगे ये कहते हुए कि अभी इस पर ऑफिशियल डेटा नहीं है। नीति आयोग ये कहता है कि नहीं, वो अलग अलग समय पर अलग अलग सर्वे करता रहता है। तो आज नीति आयोग से भी पूछ लिया जाए कि नौकरियाँ जो लोगों की गई हैं वो कैसे वापस आएंगी, किन सेक्टर्स में वापस आएगी, अगर अनलॉक की स्थिति वापस आ गई है तो हम वापस लोगों को नौकरियां कैसे देंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर एक कंप्लीट वैक्यूम है और जैसा मैंने कहा कि ऑफिशियल फिगर्स नहीं है और इस तरीके के फिगर्स और सर्वेज आते रहते हैं जैसा कि टीम लीज के सर्वे ने बताया है। तो एक बहुत ही भयानक स्थिति है। जॉब लॉसेज होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंट है वो भी बहुत ही कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में है। तो जो लोग आज नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए एक ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। इस पर आपका क्या सोचना है फीडबैक दीजिएगा। तो मेरी तरफ से इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @Neelu317। देयर इज एन ईमेल आईडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। यू कैन सेंड अस योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट्स नॉट फेक।